अस्सलाम वालेकुम, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मैकरोनी पास्ता की रेसिपी। ये फ्रूट सलाद आपको बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाना सीखेंगे हम। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, इसके शानदार जायके से आप लुत्फानंदोज हो जाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक खुला बर्तन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 कप भर कर ठंडा पानी। नॉर्मल पानी ले लीजिए आप। 1 टीस्पून ऑयल डाल लेते हैं, 1/2 टीस्पून नमक। अब इन दोनों चीजों को डालने के बाद हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको बॉईल करेंगे पानी को। देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है, अब हम वेट करते हैं पानी के बॉईल होने का। पानी बॉईल हो चुका है और हम इसमें डाल रहे हैं मैक्रोनीज। आप मैक्रोनी भी डाल सकते हैं, पास्ता, कोई भी शेप आप ले सकते हैं। अब इसको मैं हल्का सा मिक्स कर दूंगी और आपने इसको मिक्स लाजमी करना है ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। और पैकेट के मुताबिक आपने इसको बॉईल करना है, 10 से 12 मिनट तक बॉईल करेंगे। ये देखिए 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और ये परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे और इसको हम ठंडे पानी से गुजार लेंगे ताकि जो इसका पकने का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसको साइड पे कर देंगे क्योंकि ये मैक्रोनी फ्रूट सलाद है, बहुत ही मज़ेदार। इसमें मैं एक एप्पल काट रही हूँ, इसकी स्किन हम उतार देंगे। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हम इसमें डालेंगे। उसके बाद मैं कुछ अंगूर ले लूँगी, इनको भी आप 1/2 1/2 काट लीजिए, इनको भी हम साइड पे रख लेते हैं। उसके बाद मैं एक केला ले रही हूँ। आप अपनी पसंद से भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको फ्रूट्स पसंद हो वो आप शामिल कीजिए। अगर आप अपनी फ्रूट सलाद में केला डाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये जल्दी काला हो जाता है, इसलिए आपने जब आप फ्रेश फ्रेश इसको सर्व कर रहे हो तभी केले को शामिल कीजिए। इनको भी काट कर हम साइड पे रख लेते हैं। इसके साथ मैं हरे हरे पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस रेसिपी में पुदीने के पत्तों का टेस्ट और खुशबू दोनों ही लाजवाब लगते हैं, बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट और खुशबू आती है, आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। उसके बाद हम हनी ले लेंगे, इसमें मैं प्योर हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं 2 से 3 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। आप हनी की जगह पिसी हुई शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हनी का टेस्ट इस मैक्रोनी सलाद में आएगा वो बहुत ही अलग होगा। आप इसमें शहद का ही इस्तेमाल कीजिएगा। एक बड़ा बाउल लेंगे जिसमें हम ये सब चीजें मिक्स कर सके। सबसे पहले हम सेब डाल लेते हैं, उसके बाद हम अंगूर, केले, ये सब चीजें डालेंगे, जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब डालेंगे। मैक्रोनीज आपने पहले नहीं डालने, क्योंकि अगर पहले डाल के आप मिक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो टूट जाएंगे। और जितने भी फ्रूट हमने काटे थे वो हम इसमें शामिल करेंगे, साथ ही हम थोड़ा सा पुदीना भी डालेंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे ऊपर गार्निश के लिए। हनी डालूंगी 2 टीस्पून। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप तादाद बढ़ा भी सकते हैं हनी की, लेकिन इसमें ऑलरेडी हम बहुत सारे मीठे फ्रूट डाल रहे हैं इसलिए हमें ज़्यादा मीठे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे मायोनीज, 1/2 कप मैंने लिया है। अगर आपको थोड़ा पसंद है तो आप इसकी मिकदार थोड़ी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, इसीलिए हमने इसमें मैक्रोनीज पहले नहीं डाले थे, क्योंकि अगर पहले डाल देते तो ये बहुत ज़्यादा टूट जाते और मिक्स से हो जाते इसके अंदर। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे नमक चुटकी भर, और चुटकी भर ही हम काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसको हल्का सा फिर मिक्स करके अब हम इसके अंदर मैक्रोनीज डाल देंगे जो हमने बॉयल करके रखे थे, वो आप इसमें डाल दीजिए। जब आप इसको मिक्स करें तो आप टेस्ट भी कर लीजिए कि कहीं पर आपको किसी चीज़ की कमी लगे तो आप उसमें डाल सकते हैं। ये फुल जो मैंने आपको रेसिपी बताई है ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप मायोनीज का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी, और शहद का भी। फ्रूट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं, लेकिन ये बेहतरीन रेसिपी है, बेहतरीन सलाद बनता है। मैक्रोनी पास्ता सलाद बहुत ही टेस्टी होता है। आपने इसको घुमा घुमा कर हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि ये खिचड़ी सा ना बन जाए।
अब हम इसको सर्व करते हैं। एक प्लेट लेकर आप इसको बहुत अच्छी तरह गार्निश कर सकते हैं अपनी पसंद से। रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है, साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।